वेल तो दोस्तों एक बार फिर से आज का हूँ आपके लिए बिल्कुल से एक न्यू वीडियो लेके। एंड फाइनली दोस्तों स्नैपचैट पे भी आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, जो भी यूजर नेम अभी करंटली आपका है। अगर दोस्तों आपको वो यूजर नेम पसंद नहीं आ रहा है, देन दोस्तों आप स्नैपचैट एप्लीकेशन पे भी दोस्तों आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। एंड दोस्तों इस फीचर को अपने एप्लीकेशन पे ऐड करने में पूरे 10 साल लगे स्नैपचैट वालों को। दोस्तों जितना भी पॉपुलर सोशल मीडिया है जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यहाँ पे दोस्तों ये सारा ऑप्शन हमें बहुत पहले ही देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों स्नैपचैट को इस फीचर को ऐड करने में पूरे 10 साल लगे। बट कोई नहीं, आखिर आ तो गया 10 साल के बाद ही। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्नैपचैट वाला का कुछ यहाँ पे पॉलिसी भी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, अगर आप नेम को चेंज कर सकते हो तो। पहले आप ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो, उसके बाद मैं आपको लाइव करके बताऊंगा किस तरह से आप अपने यूजर नेम को स्नैपचैट एप्लीकेशन पे चेंज कर सकते हो। पहला जो यहाँ पे पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि दोस्तों आप पूरे साल में एक बार ही यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर अभी आप यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, तो अगर आप फिर से यूजर नेम को चेंज करना चाहते हो, देन दोस्तों सेम आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जिसके हेल्प से दोस्तों आप फिर से यूजर नेम को चेंज कर पाओगे। एंड एक लास्ट जो और टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि दोस्तों जो भी यूजर नेम को आप चेंज करोगे, तो वो दोस्तों भूल जाओ, आपको फ्यूचर में अगर कभी भी आप उस यूजर नेम को फिर से लेना चाहोगे तो यूजर नेम आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। एंड साथ ही दोस्तों किसी और यूजर को भी वो यूजर आईडी नहीं मिल पाएगा। तो समझ लो कि जो भी यूजर आईडी आपने यूज कर लिया, उसे चेंज कर दिया, वो आफ्टर डिसेबल हो चुका है। एंड तो अब चलिए लाइव आपको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों स्नैपचैट एप्लीकेशन पे आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको अपने फोन में लाइव करके दिखाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है अगर दोस्तों आप स्नैपचैट एप्लीकेशन को यूज करते हो। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। यूजर नेम को चेंज करने के लिए सबसे पहले सिंपली से आप अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। उसका नेक्स्ट आपको लेफ्ट के टॉप में यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहा है, सिंपली से इस आइकॉन पे क्लिक करना। एंड नेक्स्ट दोस्तों आपको राइट के टॉप साइड में यहाँ पे सेटिंग का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड का ऑप्शन आपको देखने को मिला यूजर नेम, सिंपली से आप इस पर क्लिक करना। एंड जैसे यूजर नेम पे क्लिक करते हो आपको चेंज यूजर नेम का बटन देखने को मिल जाती है, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लेना। एंड कंटिन्यू करने के बाद सिंपली से आप जो भी यूजर नेम रखना चाहते हो फिलिप से पहले वो आप सेलेक्ट कर लो। यूजर नेम को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है, जो भी आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड है, सिंपली से आप सबसे पहले स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर दो। पासवर्ड को एंटर करने के बाद सिंपली से यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है, तो सिंपली से आप कंटिन्यू कर दो। एंड जैसे ही आप कंटिन्यू कर पाओगे यहाँ पे देखते हो ये जो भी मेरा यूजर नेम है वो निकल के आ चुका है। सिंपली से आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपका यूजर नेम चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो एंड वीडियो में जो जो स्टेप्स वगैरह मैंने बताया है कि किस तरह से दोस्तों आप अपने यूजर नेम को स्नैपचैट एप्लीकेशन पे चेंज कर सकते हो, अगर वो सारे स्टेप को आपने अच्छी तरह से देखा है, तो आई होप कि आसानी से अब आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो। एंड साथ ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आप अच्छी तरह से माइंड में रखोगे। तो और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसी तरह के आपके मन में और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। एंड अगर हो सके तो मैं उसका वीडियो बनाकर ही आपको आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।